क्या होता है जी ग्रीन रेवोल्यूशन? हाई लाए थे फादर तो थे, लेकिन कहाँ के फादर थे? हमने तो नॉर्मल बॉलोंग पढ़ा है। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये टेक्नोलॉजी जो है भारत में नहीं डेवलप किया गया था, ये बाहर का है। ठीक है, रॉक फिलर इंस्टीट्यूट था एक, इन कोलैबोरेशन विथ फॉर्ड फाउंडेशन, आपका फॉर्ड फाउंडेशन। अंडर द लीडरशिप ऑफ नॉर्मन बॉरलॉग, और इन्हीं को हम कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, और ये जो टेक्निक जो था जो डेवलप किया गया नॉर्मन बॉरलॉग द्वारा इन कोलैबोरेशन विथ रॉक फिलर इंस्टीट्यूट और फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन एनजीओ टाइप का है, फोर्ड मोटर्स वालों का ही है कुल मिला के, और रॉक फिलर को कुल मिला के जैसे सीएसआर फंड्स होते हैं ना जो सपोर्ट करते हैं असिस्ट करते हैं, और नॉर्मल बॉरलॉग के अंदर लीडरशिप में हुआ था। और इंडिया में इस टेक्नोलॉजी को इट वॉज एडॉप्टेड बाय इंडिया अंडर द सुपरविजन ऑफ एमएस स्वामी नाथन, जिसकी वजह से एमएस स्वामी नाथन को हम क्या कहते हैं, हाँ, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, और एक फैक्ट और जान लीजिए, नॉर्मन बॉरलॉग साहब को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज। तो अगर ये कभी क्वेश्चन आ गया कि नॉर्मन बॉरलॉग साहब को नोबेल प्राइज मिला है किस सेक्टर के लिए मिला है, पीस के लिए मिला है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जनरली लोग एग्रीकल्चर को इकोनॉमी से रिलेट करके इकोनॉमी कह देते हैं, कितने कितने सेक्टर में नोबेल प्राइज मिलता है, कौन कौन सा? पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन। ठीक है, चलिए, एडॉप्टेड बाय इंडिया। अच्छा एक चीज़ और बताइए, ये इंडिया में कब आया था पहली बार? इनिशियली नहीं, पहला इंट्रोडक्शन जो हुआ था इसका इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वो आपका 1948 में ही आया गया था, बट पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे था, पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे था। ठीक है, जिसमें ये देखा जा रहा था कि इंडियन कंडीशन में क्या ये टेक्नोलॉजी सुटेबल है कि नहीं है। ठीक है, जैसे होता नहीं है कि कोई चीज़ आप इम्प्लीमेंट करने से ऑन ए लार्जर स्केल आप क्या करते हैं, स्मॉलर स्केल पे उसको हम टेस्ट करते हैं, उसी को कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, छोटे प्रोजेक्ट को, और उसका नाम क्या था, इंटेंसिव एरिया डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, इंटेंसिव एरिया डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, आई ए डी
पी। और जब आपका, मैंने क्या कहा था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर को क्या, एग्रीकल्चर को प्रेफरेंस दिया था, ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रोथ भी हमारा अच्छा हुआ था। बट सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया, वी स्विच टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हेरार्ड डोमन मॉडल है, महानलोबिस स्ट्रेटेजी जो भी था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का 10 ईयर बताइए, तब कल भी पूछे थे, कल भी नहीं बताया गया था, आज भी पूछ रहे हैं, आज भी नहीं बताया जा रहा है। सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या हो जाएगा फिर, 1956 से 61 के आसपास। अब 1961-62 में क्या हुआ था आपका, नहीं एग्रीकल्चर, पहला तो एक एग्रीकल्चर हमारा प्रेफरेंस था नहीं, इंडो चाइना वॉर 1962 में हुआ था, इंडो चाइना वॉर कब हुआ था, 1962 के आसपास। अब जब कोई भी कंट्री जब वॉर में इंगेज होती है तो देयर लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस बींग डाइवर्टेड टू द बैटल फील्ड, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक तो एग्रीकल्चर हमारा वैसे ही नहीं प्रेफरेंस था, एग्रीकल्चर हमारा प्रेफरेंस तो था नहीं, और प्रायोरिटी वॉज मैन्युफैक्चरिंग। तो अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इट इज कैपिटल इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब एक स्टील प्लांट लगाइएगा तो आपको लगेगा ना जी, ठीक है, तो अच्छा खासा पैसा इसको चाहिए था। अब गुड अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन डाइवर्टेड टू इंडो चाइना वॉर, ये भी अच्छा खासा कुछ ना कुछ कंज्यूम करके बैठा था। इस पूरे सिचुएशन में आपका एग्रीकल्चर पूरा का पूरा फेल हो गया। तो फिर इन द ईयर 1966-1967 में, 1966-1967 में जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी को IADP को लॉन्च कर दिया ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया इसका लॉन्च हो गया, और उसको रीनेम किया इस पूरे प्रोजेक्ट को, दिस प्रोजेक्ट हैज बीन रीनेम्ड एज हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। इसी को हम लोग जनरली या अनऑफिशियली इसको हम लोग क्या, किसे रेफर करते हैं, क्या कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हम लोग इनफॉर्मली क्या कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, रेफर करते हैं। वैसे इसका नाम क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट। इंडिया में आने से पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था ये ऑलरेडी बिफोर कमिंग टू इंडिया, यूरोप में तो टेम्परेचर एकदम अलग है ना, कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, वहां पर अलग तरह का कुल मिला के प्लांट्स वगैरह ग्रो किए जाएंगे। अब इंडिया में अगर आ रहा है, इंडिया में पायलट, तो इंडिया का क्लाइमेट, हाँ, हमको एश्योरेंस कब मिलेगा कि हाँ ये हमारे लिए काम करेगा, जब हमारे जैसे सिमिलर कंडीशन है, सिमिलर सिचुएशन में वो कहीं टेस्ट किया गया या इम्प्लीमेंट किया गया और वो सक्सेसफुल रहा हो, तब हमको एक फर्म बिलीव होगा ना, अदरवाइज देर विल बी लॉट ऑफ एप्रीहेंशन। तो ऐसे में आपका ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, राइस जो है ऑलरेडी फिलीपींस में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका था। और दूसरा कौन सा क्रॉप था ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर, जनरली हम लोग मोस्टली दो है, वैसे और भी हैं, वीट, वीट कहाँ, अरे पंजाब में तो सर भारत में हो जाएगा ना, ड्वार्फ वीट जो है ये आपका मैक्सिको में सक्सेसफुल हो चुका था, ठीक।
इंडिया में है, फिर हमने 1966-67 में इसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। यहां तक किसी को डाउट तो है नहीं, कहानी की तरह है, सुनिए अपना आराम से। क्यों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे। एक हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था, शॉर्ट टर्म या फिर इमीडिएट ऑब्जेक्टिव कह देते हैं, कह सकते हैं इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। वो क्या था भाई? टू एड्रेस द हंगर क्राइसिस। हंगर क्राइसिस, माल न्यूट्रिशन, ठीक है, वो हमको एड्रेस करना था, हंगर क्राइसिस को रिजॉल्व करना था। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव दूसरा, अगर ये शॉर्ट टर्म हुआ, दूसरा हमारा क्या होगा? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा था टू इंश्योर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर रूरल क्या है, सिनोनिमस है। अगर एग्रीकल्चर, इफ योर एग्रीकल्चर विल बी परफॉर्मिंग गुड, योर रूरल इकोनॉमी विल बी इन ए गुड शेप, ठीक है, कह सकते हैं ना। और कुछ कंपोनेंट इसका कुल मिला के हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। चूंकि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, किस पे बेस्ड है? आपका मैकेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है आपका? हाई यील्डिंग, मतलब मॉडर्नाइजेशन हम कैसे कर रहे हैं? हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स यूज करके, ठीक है, आपका मैकेनाइजेशन करके, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्यों? अब सीड आपका कहाँ, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड आपका कहीं ना कहीं एक कोई फैक्ट्री होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा जहाँ मैन्युफैक्चर करेगा। मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टर टाली आपका कहाँ बनेगा? कहीं ना कहीं किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही बनेगा, किसी न किसी फैक्ट्री में बनेगा। तो देयर वाज अ कंपोनेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था ना, ये इनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी चीज़ हम करते हैं कि हमने ये डिसाइड किया कि हमें ये करना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए हमको वी मस्ट हैव सम स्ट्रेटेजी विच विल हेल्प अस इन अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स विच आर बीइंग डिसाइडेड बाय अस, या जो भी हमने डिसाइड किया या जो भी हमने सोचा है कि ये ऑब्जेक्टिव है फुलफिल करने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो क्या क्या स्ट्रेटेजी था वो देख लेते हैं। स्ट्रेटेजी हमारी, पहला जो स्ट्रेटेजी था टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल इनपुट्स एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल इनपुट या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस विथ मॉडर्न इनपुट्स एंड
मॉडर्न प्रैक्टिसेस या टेक्निक्स। ठीक है, इसमें एक गलती हमने कर दी। गलती क्या करा हमने कि हमने सारा जितना भी ट्रेडिशनल इनपुट था और सारे जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थे सबको रिप्लेस कर दिया। सबको हमने ये माना कि ऑल द ट्रेडिशनल इनपुट्स, ऑल द ट्रेडिशनल टेक्निक्स या प्रैक्टिसेस आर इररिलेवेंट, ठीक है, या आर आउटडेटेड। ये हमारा एक लैकुना था इस स्ट्रेटजी में। ठीक है, हमने सबको आउटडेटेड मान लिया और सबको हमने खत्म कर दिया। ठीक है, सबको एब्सोल्यूट और आउटडेटेड माना। दूसरी स्ट्रेटजी हमारी क्या थी? आवर सेकेंड स्ट्रेटजी वन डिलीबरेट बेस्ड स्ट्रेटजी। अब ये क्या है भाई? देखिए, हमने यहां सबको आउटडेटेड और ऑब्सोलीट मान लिया, और इसका एक और ड्रॉबैक क्या था कि जो मॉडर्न इनपुट्स थे या मॉडर्न जो टेक्निक्स थे या प्रैक्टिसेस जो थे, ये एग्रीकल्चर को बड़ा इनपुट इंटेंसिव बना दिया, इनपुट इंटेंसिव बना दिया। ठीक है, इसके साथ साथ क्या किया? इनपुट इंटेंसिव कर दिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव कर दिया। अब इन दो वजह से क्या हुआ, इनपुट इंटेंसिव से और इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव की वजह से क्या हुआ कि ये अब हर फार्मर जो है वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। हर फार्मर और हर रीजन के फार्मर जो है वो इसको नहीं अडॉप्ट कर सकते थे। इसकी वजह से हमने क्या किया, हमने एक प्लान बनाया कि हम कुछ स्पेसिफिक सेक्टर, कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो डिलीबरेटली हमने एक इंबैलेंस क्रिएट किया ना। डिलीबरेटली हमने क्या चूज किया, हमने कहा कि पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान, पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न राजस्थान, ठीक है, पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न राजस्थान एंड वेस्टर्न यूपी में हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर इन सभी जगहों पर क्या क्या एडवांटेज हैं, यहां जो फार्मर्स हैं वो बिग फार्मर्स हैं, बिग एंड रिच फार्मर हैं, मोस्टली बिग एंड रिच फार्मर हैं। यहां के जो फार्मर हैं दे हैव हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी, अगर वो फेलियर भी होता है तो दे कैन एब्जॉर्ब दोज लॉसेस। और इन रीजन्स में आपका दे हैव ए हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, दे हैव ए हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। ये इनपुट इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव कैसे हुआ ये समझ में आ गया है ना? कि बताना, इसको इलोबरेट करना है, बताइए, नहीं करना है बताइए, इनपुट इंटेंसिव कैसे हो गया? हाँ, तो ट्रेडिशनल में क्या था, जो हमारे घर में हम जो खा रहे हैं उसी में से बचा के उसी को हम सीड बना दिए, उसी को फिर अगले साल के लिए हमने सीड के लिए उसको प्रिजर्व कर लिया और वही बो दिया। अब क्या है, हमको खरीदना पड़ेगा। पहले हम क्या करते थे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज किया करते थे, ठीक है, मैन्योर्स वगैरह यूज करते थे, अब हमको केमिकल फर्टिलाइजर्स परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसी हिसाब से पेस्टिसाइड्स, मैकेनाइजेशन हम कर रहे हैं। तो ये जो इनपुट इनिशिएटिव हुआ, दिस इनपुट इनिशिएटिव मेक्स दिस होल प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर
एज इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव। ठीक है, समझ में आ गया, ये दोनों स्ट्रेटजी हमने अप्लाई किया और जिसकी वजह से क्या हुआ, समस्याएं बहुत सारी हुई। चलिए वो तो बाद में देखेंगे समस्याएं क्या हुआ। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेटजी हो गया। अब आगे देखते हैं इसके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। हुआ ना, पहले हमने प्लान किया, हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हमको ये एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम। उसके बाद हमने एक प्लान बनाया, उस प्लान पे वर्क किया। अब हम देखते हैं, हम पेपर दे दिए हैं, उसका आउटकम क्या है। ठीक है, तो अचीवमेंट्स या हमारे अचीवमेंट्स क्या हैं। या फिर अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, डीआर से समझ में आ जाएगा ना। क्या क्या अचीवमेंट है भाई, हमारा हंगर क्राइसिस सॉल्व हो गया, हंगर क्राइसिस हमारा सॉल्व हो गया, कुल मिला के आजकल भुखमरी बहुत कम होती है। प्रोडक्शन भी इंक्रीज, हमारा हंगर क्राइसिस जो था वो सॉल्व हो गया, फूड क्रॉप प्रोडक्शन जो है, फूड क्रॉप प्रोडक्शन उसमें क्वांटम जंप हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 400% हुआ, वो तो इससे ज्यादा ही बल्कि। ठीक है, इंडिया जो है फूड सफिशिएंट नेशन हो गया, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, इट बिकेम सेल्फ रियलाइंट इकोनॉमी, जिसकी वजह से हमारी सोवरनिटी भी इंश्योर हो गई। क्यों सोवरनिटी भी इंश्योर हो गई। अब और क्या फायदा हुआ इससे, जो रियल वेजेस थे या इनकम ऑफ फार्मर्स वो इंक्रीज हुआ, बट ये कहां तक लिमिट रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट में ही सिर्फ होगा, क्योंकि जहां पर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा वहीं तो बेनिफिट मिलेगा, तो आपका रियल वेजेस भी हुआ। और तीसरा जो बेनिफिट हुआ इसका, जो सक्सेसफुली जो इसको हमने इंप्लीमेंट किया, इसको जो सक्सेसफुली हमने इंप्लीमेंट किया उसको हमने एडॉप्ट किया अदर क्रॉप्स और नॉन क्रॉप्स में भी, इसको द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज ट्रांसफर्ड टू अदर क्रॉप्स एंड नॉन क्रॉप्स। कुछ आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं, कौन कौन से रिकॉल कर पा रहे हैं कुछ, व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, मिल्क, मिल्क, ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स एंड पल्सेस, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर्स, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, ओनियन, हाँ चलिए, पिंक रिवॉल्यूशन ओनियन, हाँ ओनियन पिंक, रिलेशन समझ में आता है,
फरवरी के महीने में कुल मिला के इसका, फरवरी महीने के आसपास, जनवरी फरवरी में ओनियन का रेट बहुत हाई होता है, क्वांटम जंप होता है उस टाइम में, ठीक है। इसलिए लोग मीम भी बनाते हैं बहुत सारे, क्या नाम है, क्या देंगे भाई वैलेंटाइन डे गिफ्ट, तो प्याज दे देंगे, ठीक है। पिंक रिवोल्यूशन हो गया, रेड रिवोल्यूशन हो गया, आजकल चल रहा है टोमेटो, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हुए, अचीवमेंट हुआ ना। इसके अलावा ये सब तो साफ साफ दिख रहा है, कुछ इनटेंजिबल बेनिफिट्स। हाँ बताइए, एक का रिवोल्यूशन सिल्वर, सिल्वर सिल्वर एक वाला बताइए। सावन में आप अंडे की बात कर रही हैं, मंदिर भी आप ही जा रही हैं, नहीं जाना चाहिए, अच्छी जगह जाना चाहिए, मीट के लिए भी है और उसके लिए भी है। हाँ जैसे ये है ना आपका येलो रिवोल्यूशन, वाइल्ड सीड्स के लिए भी है, पल्सेस के लिए भी है, ठीक है। गोल्डन रिवोल्यूशन किसके लिए है? गोल्डन, हाँ हॉर्टिकल्चर के लिए, हॉर्टी सुन लीजिए फिर आप। इनटेंजिबल बेनिफिट्स जो थे पहला कि हमको अपने प्लानिंग पर बिलीफ डेवलप हुआ, जैसे हमना सेकेंड फाइव ईयर, हाँ सेकेंड फाइव ईयर प्लान फेल हो गया तो हमको लगा यार हमारा प्लान ही गड़बड़ चल रहा है क्या, इंडिया एज ए नेशन को या इंडियन प्लानर्स को, कि हमें प्लान करना नहीं आ रहा। जब ये एग्जीक्यूट हो गया तो वी गेन ट्रस्ट या फेथ इन आवर प्लानिंग। और दूसरा इंटेंजिबल बेनिफिट क्या हुआ कि फ्रॉम दिस ऑनवर्ड, फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड या फ्रॉम आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर ऑलवेज हैज बीन आवर प्रायोरिटी, एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन आवर वन ऑफ प्रायोरिटी। चूंकि एक चीज हमको समझ में आ गया, वी कैन नॉट एग्रीकल्चर, वी कैन नॉट इग्नोर एग्रीकल्चर, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। किसने बोला था कृषि प्रधान? किसने बहुत बढ़िया बोला था। हाँ निगेटिव फॉलोआउट्स, अब ये सब तो हो गया, कुछ निगेटिव भी होंगे इसके। निगेटिव फॉलोआउट हमारा क्या है? पहला तो ये इसमें देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्पैरिटी, वही जो आप कह रहे हैं पूरे कंट्री में नहीं, प्रॉब्लम ऑफ डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी हमारा तीन फ्रंट पे हुआ है। पहला रीजन डिस्पैरिटी या रीजनल डिस्पैरिटी जो आपने कहा, ये कहां पर? सिर्फ और सिर्फ यूपी, वेस्टर्न यूपी, यूपी में भी वेस्टर्न यूपी, ठीक है, नॉर्दर्न राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन्हीं बेल्ट में तो हुआ, बाकी सब जगह तो रीजनल डिस्पैरिटी। दूसरा सोशल डिस्पैरिटी, सोशल डिस्पैरिटी, सोशल डिस्पैरिटी में आपको कुल मिला के चूंकि ये इनपुट इंटेंसिव था तो मेनली बेनिफिशियल टू, मेनली बेनिफिट्स द बिग फार्मर, बिग एंड रिच फार्मर, क्यों? और नेग्लेक्टेड द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर,
क्यों? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को इसने निगलेक्ट किया। और तीसरा जो है इट इज क्रॉप डिस्पेरिटी भी था, क्रॉप डिस्पेरिटी भी है। वो कैसे? हमने कुछ स्पेसिफिक क्रॉप को ही इसके अंदर इंकल्केट किया है इस प्रोजेक्ट में। आपका वीट हो गया, राइस हो गया, फिर हमने एक्सटेंड भी किया, पल्सेस नहीं है मैम, फिर बाद में हमने एक्सटेंड भी किया तो आपका पोटैटो वगैरह आया, बट बहुत सारे जैसे आपका मिलेट्स, ठीक है, हैं, पल्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है ये आर दे आर पुश्ड टू मार्जिनल लैंड्स, पुश्ड टू मार्जिनल लैंड्स। ठीक है, और ये सब जो है एक्सेट्रा ये बेनिफिट हुए इससे, बेनिफिटेड। ये तीन फ्रंट पर डिस्पेरिटी हुआ, पहला ये क्रॉप डिस्पेरिटी, रीजनल डिस्पेरिटी एंड सोशल डिस्पेरिटी। ठीक, अब दूसरा क्या है, कुछ इसके इकोलॉजिकल इंपैक्ट्स हैं, इकोलॉजिकल इंपैक्ट्स या इट्स एडवर्स इंपैक्ट ऑन इकोलॉजी। एडवर्स इंपैक्ट ऑन इको इकोलॉजी, हमारा इकोलॉजिकल इंपैक्ट या इट्स इंपैक्ट ऑन इकोलॉजी। ठीक है, तो क्या करेगा ये, क्या रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इनटू फॉल इन वाटर टेबल, दूसरा इट रिजल्ट्स इनटू लैंड एंड वाटर कंटामिनेशन, लैंड एंड वाटर कंटामिनेशन। ठीक है, और सॉइल सैलिनाइजेशन में भी, इट ऑल्सो लेड टू सॉइल सैलिनाइजेशन या सैलिनाइजेशन ऑफ और इसी को हम लोग कहीं कहीं आपको डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हो गया। तो ये हमारा एडवर्स इंपैक्ट है मोटा मोटी।